हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है चिवड़ा की, जिसे मैंने हमारे घर में जो कांदा पोहा का पोहा होता है उससे बनाया है। ये बहुत झटपट बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी क्रिस्पी लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी पोहा लिया है, जिसे हम कांदा पोहा बनाते हैं वो पोहा लिया है मैंने। अब इसे हम गरम ऑयल में इस तरह फ्राई करके लेंगे। मैंने सारे पोहा को फ्राई करके लिया है, ये अच्छे से फूल गए हैं, इसकी क्वांटिटी भी डबल हो गई है। अब इसी ऑयल में मूंगफली फ्राई करेंगे, काजू बादाम भी फ्राई करके लेंगे और सूखे नारियल के पतले टुकड़े भी फ्राई करके लेंगे। चिवड़ा बनाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके लिया है। अब इसमें डालें 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, फ्राई किए हुए सूखे नारियल के टुकड़े, फ्राई किए हुए काजू बादाम और फ्राई की हुई मूंगफली डालें। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। इसे मिक्स करें। अब इसमें 1 चम्मच तिल डालें और पोहा डाल के अच्छे से मिक्स करें। सब मिक्स हो जाने के बाद गैस बंद करें। अब इसमें डालें थोड़े किशमिश, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर और थोड़ी सी सेव डालें। इसे इस तरह हल्के हाथों से मिक्स करें। तो हमारा ये इंस्टेंट चिवड़ा रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.